H6 एक दो तीन चार पांच एक्चुअली CrO2। एक बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? यस यस सर। ठीक है, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी आपको अ सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ दिख रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर? नो। ठीक है, सब मैंने आपको सारे बॉन्ड्स अभी दिखाए एंड ऑल दीज बॉन्ड्स आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एम आई राइट? यस 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो यस एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म जो हमने कल देखा था, ये क्या हो जाएगा? फेरी मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक आएगा, डायमैग्नेटिक, 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 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, यस। दूसरा बताओ। CrO2, सीआर O2, ओनली CrO2 की 2- वगैरह कुछ? नहीं सर, CrO2 है सिर्फ। CrO2, अच्छा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, क्रोमियम क्रोमियम 24, ऑक्सीजन इज 8। फोर एस टू 3d4 सर, 4s1 3d5 आएगा वो क्रोमियम, 4s1 3d5। आपको याद है वो एक्सेप्शन मानना याद है? यस फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर सामने दिख फोर रहा है? 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है सामने? मैंने लाइट बंद किया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम लोग को? नो सर। प्रॉब्लम हुआ? नो प्रॉब्लम हुआ? यस सर। यस सर, कौन बोल रहा है? अगर हुआ तो मैं लाइट चालू करता हूँ। नो सर। आज आज क्रोमियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ने ये बनाया सर, 2p4 आएगा वो ना? मैं वही बोला, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम ने क्या बोलते हैं तो भी ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाया और तीन इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अनपेयर्ड है। Yes or no? Yes. 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 टोटल क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात। Yes. सर, yes. वो बॉन्ड बनाने के लिए पहला 4s1 देगा, बाद में 3d5 देगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ yes. सॉरी, चार रह गए इसमें, इस पे yes. चार रहेगा, यस सॉरी, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अभी देख बेटा, पेड इलेक्ट्रॉन, पेड 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 पेड, ये पेड नहीं है, ये क्रोमियम के ऊपर जो है वो पेड नहीं है। देख मैं अलग अलग बना रहा हूँ इस तरीके से, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के ऊपर, क्या हो जाएगा ये? फेरोमैग्नेटिक। समझा अभी कैसे करने का? हाँ यस सर, समझा। तो एक बार फिर से बता, नहीं समझा? पूरा भी समझा, बोलता एक बार फिर से समझा। क्या बोल रहे शुभम, बोलो। क्यूसी बता, केमिकल काइनेटिक्स में क्यूसी आता है क्या? क्यूसी आता है ना, क्यूसी क्या होता है? क्या क्यूसी सर? केसी रिएक्शन क्वेश्चन। शुभम सर। हाँ बेटा बोलो।
और एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है रोम्बोइड्रल ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक और हेक्सागोनल दिए और साइड पे कंपाउंड्स का नाम दिए KNO3 जिंक ब्लेंड CDS और कैल्साइट। ये बेटा ये एग्जांपल्स बाहर करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में से देख करके आपको थोड़ा सा सर। और ऐसा एक कंपाउंड पूछा है जो कॉपर के साथ नहीं तो मेटल्स के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका सेम है वैसा। ये तो कल देखा था ना हमने। हाँ सर पर ऐसा TiO SiO TiO3 और MgO ऐसा दिया है एक ही कंपाउंड है उसका दो मतलब दो ऑक्साइड भी दे TiO SiO2 सेम करने का इसके लिए भी सेम करने का ठीक है। इसके पास इसके पास इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यू रिमेम्बर 11th में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये कांसेप्ट देखा था ठीक है। उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितना अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है जो रेडिली फ्लो कर सकते हैं दैट वाज गोइंग टू डिसाइड इट्स कंडक्टिविटी ठीक है। देख कुछ तो होंगे बॉन्ड पेयर्स में जैसे हमने देखे कुछ लोन पेयर्स होंगे राइट तो दिस जितना लोन पेयर्स रहेगा उतना इजीली वो कंडक्ट कर पाएगा दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। और जहां पे ऑक्सीजन आया जहां पे ऑक्साइड आया मोस्टली इट इज कंडक्टिव बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना। यस सर। अच्छा अच्छा सो कीप प्रैक्टिसिंग ठीक है। आई कुड सी ओनली वन सर बोर मैग्नेटॉन क्या है बोर मैग्नेटॉन क्या बोल रहे बेटा बोर मैग्नेटॉन बोर मैग्नेटॉन इज नथिंग बट ये द मेजर ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर द मेजर ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना आपको इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस वन ऐसा एक फॉर्मूला है। ये आपको डी ब्लॉक में सिखाऊंगा मैं अभी नहीं ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। डी ब्लॉक का पार्ट है बेटा ये बोर मैग्नेटॉन ढूंढने का द मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढने का। अपने डी ब्लॉक में ना मोस्टली पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मिलेंगे हम लोग तो उसका मैग्नेटिक उसका डाइपोल मोमेंट ढूंढना उसका मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना तब अपन बोर मैग्नेटॉन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ठीक है। यस सर। या सो सिमिलरली गाइज आई वॉन्ट यू टू कीप प्रैक्टिसिंग कीप सॉल्विंग दोज क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट डाउट्स। यू कैन एनी टाइम सेंड डाउट्स टू योर क्लास का व्हाट्सएप आईडी पे आप भेज दो ठीक है सर को। सर मुझे फॉरवर्ड करेंगे मैं उसका सोल्यूशन देकर के सर को भेजूंगा सर आप तक पहुंचा देंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश न्यू चैप्टर अज्यूमिंग दैट सॉलिड स्टेट अब आपके दिमाग में मतलब एक काफी हद तक एक 90-95% तक क्लियर हो गया है। वो 5% बचा है क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करना बाकी है बिकॉज आई नो बहुत कम बच्चे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उसको फिर से घर पे जाके पढ़ते हैं घर पे जाके मतलब तुम बोलते घर पे ही मतलब लेक्चर के बाद उसको पढ़ते हैं। सो सॉलिड स्टेट इज ऑलमोस्ट क्लियर गाइस एटलीस्ट 12th पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड स्टेट का क्लियर है। यस यस एवरीबॉडी। तुम लोग एकदम ब्लैंक रहते हो बहुत लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि एम आई टीचिंग करेक्टली और नॉट दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन माई ओन माइंड नाउ। So now, as I have discussed in those sessions, I want you people, मैं चाहता हूं कि आप लोग apart from those गिने चुने 3-4 बच्चे दूसरे लोग भी question करो दूसरे लोग भी answers दो गलत answers दो मेरे को चलेगा but बोलो interact करो अपने मन के डर को भगाओ बेटा ठीक है। Yes, sir. So we'll be going to start with chemical kinetics again a very important chapter from board point of view 4 se 6 mark ka hota hai 6 mark with of course with options theek hai. So this again is a very easy chapter concept wise bahut simple hai kahin thoda bahut thoda twisted concept aayega to we will clear it out don't worry about that but it is more of a numerical and theory. Theory भी है, numerical भी है. Numericals थोड़ा ज़्यादा है, theory थोड़ा कम है. ठीक है? जब मैं board point of view से बात करता हूँ, तो
लॉग कैलकुलेशन सबका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. स्टार्टिंग में नहीं है लॉग कैलकुलेशन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कीप योर लॉग कैलकुलेशन अप टू डेट. कीप प्रैक्टिसिंग डेली, लॉग प्रैक्टिस करो डेली, तब जाकर के बोर्ड्स के लिए आपको प्रैक्टिस हो पाएगा. Now when I talk about chemical kinetics, chemical obviously because we are studying chemistry, chemistry related hai. Kinetics, kinetics is something which is related to motion, speed. Okay, beta? Yeah. Motion. Kinetics is something which is related to motion. Now when I'm talking about chemical kinetics, I am talking about the speed of the reaction. The speed. स्लो हुआ, अगर वो स्लो है तो उसको फास्ट कैसे करूंगा, अगर क्या उसके ऊपर टेम्परेचर कैटलिस्ट प्रेशर का क्या फर्क होगा, क्या उसके ऊपर ये मतलब इफेक्ट होगा. Then what do we say? What is going to be the effect of the concentration of reactants and products? अगर मैंने किसी के एक का concentration बढ़ाया या कम किया तो उसके speed को क्या फर्क पड़ेगा, उस speed को हम लोग mathematically कैसे लिख पाएंगे, उसके mathematical expression कैसे होगी, उसकी derivation कैसे होगी, reactions कौन कौन से type के होते हैं, reactions किस चीज के ऊपर depend करते हैं, उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राफ्स इन्वॉल्वड इन द टेम्परेचर प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो इट्स ओवरऑल गोइंग टू बी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग अ लॉजिकल चैप्टर जहां पे हम लॉजिक लगा सकते हैं, हाँ भाई ऐसे हो रहा तब वैसे हो रहा दैट वे. ठीक है, सो इट्स मोर और लेस गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स I'm talking about the rate of the reaction, the rate. Now, before I'm writing this word, ye rate shabd sunke aapke dimag mein kya aata hai? What is rate related to? Speed. Speed of the reaction. Always. Yahan to, yahan pe yes, it is written to speed of the reaction. Directly proportional to molar concentration of reactants. नहीं नहीं रुकना भाई, पहले अपन स्लोली जाते हैं ना. वी हैव अदर फ्रेंड्स इन द क्लास हु आर स्लो लर्नर्स, लेट अस गो अकॉर्डिंग टू देयर पेस बेटा. ठीक है, सो रेट की बात कर रहा हूं मैं. जब अपन मार्केट में जाते हैं तो हम लोग ऑरेंजेस का रेट पूछते हैं, राइट, हम लोग सब्जी का रेट पूछते हैं, है ना, हम चावल का रेट पूछते हैं. दैट रेट इज रिलेटेड टू मनी, पर क्विंटल, पर किलोग्राम, है ना बेटा, ऐसे करते हैं ना हम लोग. भैया ये एक किलो चावल कितने का दिया, वो बोलेगा 105 रुपीस, तुम बोलोगे 10 किलो दे दो, देन यू विल मल्टीप्लाई द रेट विद द अमाउंट एंड गेट द फाइनल प्राइस ऑफ इट, राइट. अच्छा, दैट इज द रेट. एक दूसरा होता है स्पीड. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेट, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट बेटा, रुपीज 100 पर रुपीज 500 पर केजी. तो जब मैं रेट बोलता हूं, एक डेफिनेट यूनिट का होता है. ठीक है, अब मैं जब केमिस्ट्री की बात करूंगा, केमिस्ट्री में पैसे का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है बेटा. ठीक है, केमिस्ट्री में किससे लेना देना है हम लोग को, टाइम से लेना देना है हम लोग को, स्पीड से लेना देना है हमको, डिस्टेंस से लेना देना है हमको, नहीं हम लोग को यहाँ पे टाइम और स्पीड से फर्क पड़ रहा है. तो जब मैं बात कर रहा हूं रेट इन केमिकल काइनेटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन. बेटा जब मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन की बोल रहा हूं ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब ये नहीं कि मेरे रिएक्टेंट्स उठ के भागने लगेंगे कि वो कितना तेज भाग रहे हैं, वो अगर मैंने इसको ये बर्तन में लिया तो जाकर के दीवार पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं बेटा. ठीक है, इट इज द रेट, इट इज द स्पीड, इट इज about how much time it is taking to transform from reactants to products. वो reactants मैंने A B लिया था और products मुझे C D मिला, तो उसको कितना time लगा A B से convert होके C D बनने में, that is the rate of the reaction which I'm talking about. Is this concept clear in your mind? Yes. Sir, repeat करो ना. Rate of the reaction is the speed of the reaction, the time taken by the reaction to transform from reactants to products.
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसको कितना टाइम लगा, या फिर इक्विलिब्रियम अटेन होने में उसको कितना टाइम लगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर किया 11th चैप्टर में, राइट? तो मार्केटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सी एंड डी, ठीक है? तो हाउ मच टाइम डिड इट दिस द रिएक्शन टेक टू अटेन इक्विलिब्रियम? स्टार्टिंग में तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, राइट? पहले थोड़ा प्रोडक्ट्स बनता है, फिर प्रोडक्ट्स फिर से ब्रेक डाउन होकर अपने को रिएक्टेंट्स देता है, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग अंटिल व्हेन, टिल द रेट ऑफ द रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट मींस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सो दिस रेट इज दैट टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो यहां पे रेट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे रेट इज गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा? यस। अच्छा अच्छा ठीक है, अब एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है और मेरा प्रोडक्ट बी है, ठीक है? मेरा रिएक्टेंट ए है और मेरा प्रोडक्ट बी है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब टाइम क्या था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और जब ये रिएक्शन खत्म हुआ तब टाइम क्या था, टाइम टी इज इक्वल टू टी। ए बेटा जीरो पे शुरू हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट्स बाद खत्म हो गया, 5 सेकंड बाद खत्म हो गया। हर एक का अपना अपना कैपेसिटी होता है, राइट? यस। ओके फाइन। सो when I'm talking about this, I'm talking about the time taken for the transformation of A into B. A से B बनने के लिए उसको कितना time लगा? जब ये A से B बन रहा है, तब A का quantity को क्या हो रहा है बेटा? Decrease हो रहा है। और B का quantity क्या हो रहा है बेटा? Increase हो रहा है। तो A गायब हो रहा है और B appear हो रहा है। जितनी जल्दी ए घटेगा उतनी जल्दी बी बढ़ेगा, स्लोली ए घटेगा उतनी स्लोली बी बढ़ेगा, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन, और रादर लेट मी टेल यू अबाउट द एवरेज रेट, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं बताऊंगा आपको मैं इसको एवरेज क्यों बोला है। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कैपिटल डेल्टा। दिस इज एक्सप्रेसिंग दैट डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बेटा 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 12 मोल, 10,000 मोल, कितना तो लिया रहेगा ना मैंने, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, है ना? Yes, तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, 0 से 5 सेकंड, 5 से 15 सेकंड हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और वैसे ही जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 0 से कितना जाएगा, 5, 10, 15, इसका 0, इसका 0 से 5, 10, 15, इसका 5, 10, 15 से 0 होगा। अरे ये एक्सप्रेशन लिखते वक्त मैं इसमें माइनस साइन डालेगा और इसमें प्लस साइन डालेगा, माइनस और प्लस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज रिड्यूसिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज इंक्रीजिंग, सिंपल। यस 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 सर। प्रफुल, प्रफुल प्रफुल सो रहा है, हर्ष, हर्ष निपाने? यस सर। बेटा समझा ये तुमको? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है हर्ष? अभी तुम्हें समझा है तो तुमको आंसर देना पड़ेगा, मैं चाय पी रहा हूं। अच्छा, शुरू करके चाय पीते नहीं तो मजा ही नहीं आता चाय में।
ये बेटा बहुत डार्क है, लाइट चालू कर दू, आई कैन डू दैट। नो नो सर, बराबर है सर, ठीक ठाक है। I'm just trying to preserve the natural resources and you know have less impact on the environment. इसलिए मैं ये सब generally light वगैरह बंद करता हूँ घर में भी। Yeah, Harsh, Harsh, my boy, what is the minus sign in this expression telling? या expression मधे या minus sign सा काय significance है? Minus आपन का टाकलाय वाडा इते? Minus सा काय इते? What do we call that now? I'm like, why is the minus sign? What is the minus sign representing over here? Yahan pe minus sign kya bata raha hai beta? Harsh, me sangu ka sir? Who is this me? Mera kaach ka cup kitna pyara hai sir, main batau kya? Sir, Prachet, Prachet, Ashutosh, Ashutosh, Prachet, chup ho jao tum log। मैं हर्ष निपाने से बात कर रहा हूँ, मुझे उससे बात करने दो। सर बहुत सिंपल है। हाँ पता है, हर्ष को भी पता है, हर्ष बोलेगा। हर्ष बेटा तू है ना उधर? हर्ष नहीं सर, बताओ यार। बताओ। हाँ अमित बताओ बेटा। अमित सर, उस केमिकल रिएक्शन में ए रिएक्टेंट लूज हो रहा है ताकि बी रिएक्टेंट मिल सके। A is decreasing and concentration of B is increasing. Decrease मतलब minus, increase मतलब plus. हर्ष अभी समझा? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो ये plus sign यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा? Increasing only. Good, ठीक है। वैसे प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी इट इज नोन बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। यस और नो गाइस? यस यस। प्लस नहीं लिखा तो भी पता चलेगा ना कि ये प्लस ही है। अभी मैंने इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज मतलब अभी ये जो रिएक्शन हुआ ना, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ टाइम टी जीरो, फिर से कुछ देर बाद 5 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड, फिर 60 मिनट्स, ठीक है। चल भाई मिनट्स ले लो उसको, 0, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो मेरे को बताओ थ्रू आउट द रिएक्शन इसका स्पीड सेम रहेगा? किसी भी चीज का स्पीड सेम नहीं रहता। जब आप पंखा स्टार्ट करते हो तो एकदम ऐसा जोश में आके हम 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 करके घूमता है, और कांस्टेंट स्पीड पे होता है। जब आप उसको बहुत देर तक चलाओगे तब वो थोड़ा थक जाता है कि नहीं थक जाता है? यस। उसका स्पीड इफेक्ट होता है कि नहीं? कैन यू रन एट वन कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर? नो बेटा, यू कैन नॉट रन फॉर इवन 2 मिनट्स। सर टीवी चल सकते हैं? दैट जनरेशन व्हिच इज बोर्न इन द हाउस एंड विल डाई इन द हाउस, ठीक है बेटा? No sir. अरे डिप्रेस मत हो। What am I saying is, one constant speed maintain नहीं होगा। That is a different aspect altogether. यहाँ पे भी same है। Yes. 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 इसको कम करने और इसको बढ़ाने में बहुत सारे factors involved हैं। Temperature, pressure, catalyst, ये वो अग्रण धग्रण। हर कुछ हर कोई constant तो रहता नहीं है हमेशा। तो obviously ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पे रेट कुछ और है। तो ये सबका जब मैं रेट निकालूंगा तब मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। अभी समझा तुम लोग ने? उन सबका जब मैं एवरेज निकालूंगा अलग अलग रेट्स का, इसका इसका इसका, इसको एड करके डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, आई विल गेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यस और नो? सब लोग को समझाइए इंस्टेंटेनियस रेट बताओ। वो रुको ना, आगे जाने दो। मैं पढ़ा तो मैं जानता हूँ, तुम पढ़ के आए हो। सर नहीं पढ़ाता ऐसे पूछा। सर ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल है ना? A11 standard, Lee Chatelier's principle, उसका इधर अपने को अभी फिलहाल application नहीं देना है। Yes. ये लिख लिया तुम लोग ने? You are right. That is all related to this, अपना शुभम। Lee Chatelier's. ये लिख लिया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm rubbing yes, this. No, sir. Wait. Yes. कौन है ये नो सर वाला? ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे. डन बेटा, डन हो गया. यस सर. भाई मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा ये सब लिखने में. यस सर. ठीक है बेटा. 90 डिग्री वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? टाइम. टाइम. और जेड एक्सिस पे मैंने क्या लिया? कंसंट्रेशन. रेट. रेट ऑफ रिएक्शन. रेट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज. बेटा मैं पता है क्या हो गया इस चैप्टर में ना, ज्यादा वर्ड्स बोलने से कंटाल जाऊंगा, इसलिए मैं बार बार रिएक्टेंट रिएक्टेंट बोलूंगा. जब भी मैं रिएक्टेंट बोलूंगा आपको क्या सुनना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है टू यूज द प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड. ठीक है. When time is increasing, what is happening to the reactant? Decreasing. It does not decrease directly. Okay? It gradually decreases. Why? Because the speed keeps, the rate keeps on changing. Okay? Yes. So, starting में एकदम decrease होगा, फिर धीरे 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 करके थोड़ा एक curve बन जाएगा और एक time के बाद वो constant हो जाएगा या फिर flat हो जाएगा या फिर zero हो जाएगा. Whatever is the reaction. या फिर वो पॉइंट पे आई कैन से कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इफ इट इज अ बैकवर्ड फॉरवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. यस सर. यस सर. ये क्या है? टीमें. और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम. What is going to happen to concentration? Increase. ये देखो, दोनों का ग्राफ उल्टा है, अलग अलग है. इसका टाइम इंक्रीज हो रहा तो कम हो रहा, इसका टाइम इंक्रीज हो रहा तो बढ़ रहा. आफ्टर अ पॉइंट इट इज गोइंग टू बिकम कॉन्स्टेंट. आफ्टर अ पॉइंट इट इज बिकम टू बिकम कॉन्स्टेंट. ये दिस इज द पॉइंट वेर इक्विलिब्रियम इज अचीव. वॉट इज अचीव? शुभम क्या बोल रहे बेटा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? बिकॉज़ जितना बन रहा है उतना ही छूट रहा है ना बेटा? सर अगर रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो क्या होगा? रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो कंसीडर इट जीरो, कंसीडर इट कांस्टेंट. अगर ये जीरो हो गया तो इस ये आगे थोड़ी बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा? हां यस सर. है ना? यस. ओके. अभी देखो, अब दिस इज द एवरेज रेट का प्लॉट. अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा एक टेंजेंट बनाएगा. किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाएगा. दैट टेंजेंट, टेंजेंट पता है लोगों को मैथमेटिक्स? यस. दैट टेंजेंट इज गोइंग टू गिव मी द इंस्टेंटेनियस रेट. द इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव फंक्शन dr by dt और dp by dt. d delta, delta capital, d small. ठीक है. आप या तो d लिख सकते हो या फिर ऐसा छोटा डेल्टा लिख सकते हो, बट आप d लिखो बिकॉज टेक्सटबुक में d यूज किया गया है. अगर एग्जाम में या फिर एंट्रेंस में आपको ऐसे दिया गया ना, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो राइट. ओके बेटा? सर डेल्टा की डेरिवेटिव है. क्या बोल रहे बेटा? डिफरेंशिएबिलिटी सर, वो डेल्टा तक के डेरिवेटिव था. दिस इज स्मॉल, इसको प्रोनाउंस स्मॉल डेल्टा करते हैं, बट डेरिवेटिव्स में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, dx by dt. तो आप इसको dx by dt लिखो या डेल्टा x by डेल्टा t लिखो, इज बोथ सेम है. यस. ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है? यस सर. एक छोटा फर्क है, पता है क्या? This is representing a very small amount, a very small amount.
as compared to this, this is a bigger amount. Delta is equal to a small amount. And D means a little. मैं यही नहीं बोल सकता large. D also means small, but as compared to delta, a little more. ठीक है? Yes sir. Yes sir. तो forget about delta D. अपुन D use करेंगे. Confuse मत हो. ठीक है? अपुन D ही use करेंगे. Okay? अच्छा. मतलब this D is giving me the rate at this point of time. अगर मुझे इस टाइम पे रेट निकालना है तो मैं क्या करेगा? मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा. अगर मुझे इस टाइम पे रेट निकालना है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा. इस पे करना है तो यहाँ पे, इस पे करना है तो यहाँ पे. आई यू अंडरस्टैंडिंग सर? कांस्टेंट होने के बाद, कांस्टेंट होने के बाद सेम आएगा. ठीक है? So this is called as your instantaneous. ठीक है बेटा? Instantaneous rate is the rate of the reaction which is found out or which is considered at that at a particular moment of time. मतलब आप मुझे रेट बताओ when the time is 15 minutes, when the time is 15.5 seconds. So at a particular time जब हम लोग रेट निकालेंगे this average rate मतलब overall rate of the reaction. Yes, sir. So instantaneous rate will be represented by like this. Okay, so if this reaction is reactants converting to products, okay, यहाँ पे मैंने dP by dt, यहाँ पे dR by dt लिया बेटा. तो ये क्या हो जाएगा? Minus dR concentration of this dt is equal to plus dP by dt. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों बनाया मैंने? उसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन. स्क्वायर ब्रैकेट्स आर सेइंग दैट द चेंज और द रिडक्शन और द इंक्रीज इज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. एम आई क्लियर? यस यस यस. ठीक है, ये लिख लिया. कैन आई रब दिस? यस. नो सर. अरे नो, लिखो फटाफट सर. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलना रहेगा तो चेंज स्टार्टिंग से वो पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट तक निकलने का ना? क्या बोल रहा बेटा? सर वो कंसंट्रेशन का चेंज वो स्टार्टिंग से जो पॉइंट पे फाइंड करने के लिए बोले वो पॉइंट तक निकलने का ना चेंज? एक पर्टिकुलर इस पे निकलना रहेगा तो क्या? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रेट निकलना रहेगा तो वो चेंज है ना डीआर में तो डीपी. हाँ, वो चेंज स्टार्टिंग से जो पॉइंट तक पूछा है वो पॉइंट तक ही निकालना पड़ेगा ना? अपने को ग्राफिकली नहीं निकालना है, अपने को न्यूमेरिकली निकालना है. मैं सिखाऊंगा कैसे करना. ठीक है बेटा? यस. हाँ, बट जो तुम बोल रहे हो प्रैक्टिकली यस. कैन आई रब दिस नाउ? सर ये सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? ये सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ये सब स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, बट हम लोग अभी आगे जाकर के देखेंगे तो हम लोग गैसीय स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है बेटा? रिएक्शन तो किसी के बीच में भी होगा ना, सॉलिड लिक्विड या गैस. यस. अच्छा, थ्रू आउट केमिकल काइनेटिक्स वी विल बी कंसिडरिंग इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, एवरेज रेट की बात नहीं करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे. Throughout chemical kinetics. So if one mole of A is being converted to one mole of B, how can you write down the instantaneous rate of the reaction? अभी मैं बार बार instantaneous rate नहीं लिखूंगा, उसको मैं R से represent करूंगा. Is that okay with everyone? Yes. Yes. तुम लोगों को भी वही करना है, बार बार instantaneous rate नहीं लिखना है. ठीक है, तो इसका मैं equation कैसे लिखेगा बेटा, ये मुझे बताएगा आदित्य पोटदर. अच्छा खासा सो रहा था, मेरे को नाम लेके जगा दिया इसने. आदि, आदि मानव. यस सर. आदित्य. हाँ सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाँ बेटा, मुंह धो लिया? हाँ सर. वेरी गुड बेटा.
अभी मुझे इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट बताओ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अभी आप डर गए रहेंगे कि इतना इंग्लिश इसने क्यों बोला, इन टर्म्स ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी. हाँ सर बता. ए अपॉन टी इक्वल्स टू प्लस बी. सर ए ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट. वेरी गुड. हाँ और कुछ ऐड करना है यहाँ पे? प्लस डी प्लस नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे प्लस हाँ प्लस यहाँ पे नहीं प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन टी. व्हाट इज द स्क्वायर ब्रैकेट मीन बेटा? सर मतलब वो पर्टिकुलर ए में चेंजेस हो रहा है बाकी के इसमें नहीं. स्क्वायर ब्रैकेट मींस द कंसंट्रेशन और चेंज उसके कंसंट्रेशन में हो रहा है. हाँ और कुछ ऐड करना बेटा अभी इसमें? नो सर. पक्का? तुमने यहाँ पे क्यों प्लस लिखा और यहाँ पे प्लस नहीं लिखा? इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है? वहाँ पे माइनस आएगा. हाँ तो बेटा वो कभी बताने वाले थे कल. एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड आदित्य वेरी गुड. ठीक है ऐसे ही जगते रहो मुंह पे पानी मार के लेक्चर करते रहो बेटा. ठीक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी. ए गाइस इज एवरीबॉडी अग्रीइंग विद आदित्य पोर्टर? वेरी गुड आदित्य. सी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड द क्लास इज अग्रीइंग विद यू. सी वॉट वंडर्स यू कैन डू. अब आगे के सारे आंसर तुम मेरे को दोगे. हो गया आदित्य? यस सर. अरे वाह 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 ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए. प्रफुल्ल एंड हर्ष देखो ये. ठीक है ओके. सो आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी. ठीक है व्हेन आई से ए आई एम मीनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. एंड यहाँ पे क्या यूज है बेटा? वन मोल इसमें जो चेंज होगा वही चेंज इसमें होगा. इज इट नॉट विजिबल? जितना वो कम होगा उतना वो बढ़ेगा, जितना वो स्लोली कम होगा उतना वो स्लोली बढ़ेगा. इस पे डिपेंडेंट है. तो अगर मैं देखूं प्रोडक्ट का रेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट का रेट ना? यस. रिएक्टेंट कितने जल्दी से कम या ज्यादा हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है या स्लो हो रहा है. तो अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं और सिर्फ इसको लिखूं ना तो भी जम जाएगा. सर ऐसा हुआ तो 1 मोल ऑफ ए गिव्स 2 मोल ऑफ बी. मैं बता रहा हूं बेटा मैं बताएगा. ये लिखा तुम लोग ने सब लोग ने? अभी यहाँ पे देखो ऐसा है. नहीं थोड़ा इजी करके बताता हूँ. ए इज गिविंग मी टू बी. ए इज गिविंग मी टू बी. सो द रेट ऑफ बी इज ट्वाइस द रेट ऑफ ए. ए What is rate of B? DB by DT. बेटा मैं यहाँ पे माइनस प्लस साइन क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूं? ये जो माइनस और ये जो प्लस है इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज एंड इंक्रीज. इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट. आप रेट को अगर ऐसे लोगे माइनस 20 मोल्स पर माइनस 20 मोल्स पर सेकेंड तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइनस 20 मोल्स पर सेकेंड. इट ओनली मींस कि वो 100 से मतलब 80 हुआ 20 हुआ 60 हुआ एंड सो ऑन. नॉट 60 पहले 20 बाद में. अरे ये नहीं समझा क्या रे तुम लोग को? यस ए इज गिविंग मी 2b. तो ए का रेट एंड बी के रेट पे ये 2 आ गया है. मतलब बी जितना ए कम हो रहा है उतना दुगना मेरा बी बढ़ रहा है. राइट और नो? तो बी का रेट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रेट ऑफ ए. सर हां सर रेट सेम आ रहा है पिछले साल. सर नहीं बेटा पिछले साल इक्विलिब्रियम में केसी कैसे डिफाइन किया था कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा तो रेस्ट टू में लिखने का. तो इसके अंदर रेस्ट टू में नहीं आएगा. डू नॉट
confuse this chapter with equilibrium chapter. Please keep that chapter aside and this chapter aside. Okay, beta. वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहे हैं. जब हम लोग रेट लॉ पे जाएंगे तब मैं आपको पावर्स के बारे में भी बताऊंगा. अभी के लिए वी आर ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, तो अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो बेटा. ओके, आप दो चैप्टर्स को मिक्स मत करो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा. इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पार्ट इसमें यूज होगा, जब यूज होगा मैं आपको उसको बताऊंगा कब यूज होने वाला है. अभी आपको ये समझा कि the rate of B is twice the rate of A because एक मोल of A के लिए मुझे दो मोल of B मिल रहा है. Yes or no? हर्ष समझ में आया बेटा ये? Yes sir. Sir, rate of A equal एक मोल कम हो रहा है तो दो मोल बढ़ रहा है. मतलब जितने स्पीड में, जितने स्पीड से एक मोल of A कम होता है उतने स्पीड में टू टाइम्स मेरे को ये मिलता है, B मिलता है. ठीक है. So, Sharon, to answer your question, when I'll be comparing the rates, when I'll be comparing this equation, I will be comparing it for one mole of the substance, for one mole of the substance. When I'm comparing it with one mole of substance, for one mole, this rate is equal to twice for the one mole for this rate. So, dA by dt is equal to half dB by dt. Is this correct? Yes. Yes. Hey, मैंने टू उधर लेके गया बस, सिंपल. अगर ये इसका दुगना है तो ये इसका हाफ रहेगा ना. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Simple maths over here. Anybody does not understand, please ask me right now. Sir, ये R A equal to two times R B है. Rate of B is twice the rate of A. Beta, A is equal to 2B. A is equal to 2B. So, B is equal to A by 2? Yes, A by 2 आएगा. तो rate half हो जाएगा ना दूसरा. Hold on, beta. मैं यहाँ पे concentrations की बात कर रहा हूँ, mole की बात कर रहा हूँ. A, जब one mole of A is reducing, equivalent, what I'm getting is 2 moles of B. ठीक है? When 1 mole of A is going down, 2 moles of B I am getting. Yes or no? Yes. So, when I write it in the rate of the reaction, इसका जो speed है, dA by dt, and I compare it with dB by dt. This is for 1 mole each. इसका मतलब क्या है? जब 1 mole का concentration कम होता है, 1 mole बनता है. But यहाँ पे वो relation नहीं है ना? जब एक मोल कम हो रहा है तब क्या बोलते हैं, इसका दो मोल्स बन रहा है तो मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा टू कीप द रिएक्शन इक्वल, ताकि यहाँ पे एक मोल तो यहाँ पे भी एक मोल मिले मुझे. बिकॉज एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन वाइज वन एंड टू, बेटा दिस एंड दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टूगेदर. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. Yes, sir. तो रेट मतलब जितनी सर नहीं समझे सर twice the rate of, hold on, I'm trying a easier way to explain this to you. ठीक है, मतलब जितने टाइम में इसका एक मोल खत्म होता है उतने ही टाइम में इसका दो मोल दिखता है. इतना क्लियर हुआ तुमको सब लोग को? शायर है ना दर्श. टाइम में इसका एक मोल जाता है उतने ही टाइम में इसका दो मोल बनता है, इसका दो मोल बनता है. राइट. तो कैन आई से इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसका बी का रेट इज ट्वाइस द रेट ऑफ ए. जितना रेट, दिस आर ए मीन्स वॉट, एक मोल बनना. ठीक है, तो जितने में इसका एक मोल बन रहा है इसका कितना मिल रहा है? दो मोल बन रहा है. दो मोल्स, यस. ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज करूंगा क्या मिलेगा? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ डी बी बाई डी टी. यस सर. दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग फॉर वन मोल. दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग फॉर वन मोल. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2. तो इसका रेट हम लोग ऐसे लिखेंगे. Am I clear? Is this clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes.
सिर्फ दो तीन लोग ही यस बोल रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूजन में हैं, तो बोलो कि मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये लिख लो बेटा, एक बार रिपीट करो ना, कंफ्यूजन। A is giving me 2B, okay? So, the for one mole of decrease in A, I am getting 2 moles of B. So, the rate of B is twice the rate of A. Concentration of B is 2 times the concentration of A, okay? B kya hai? A ka dugna hai, okay? To uska rate bhi A ka dugna rahega. जब मैं रेट का इक्वेशन लिखूंगा इस तरीके से आ जाएगा ट्वाइस द रेट ऑफ ए। अब अगर मैं इस टू को यहां पे ले जाऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ डी बी बाई डी टी। ये लिख लिया सबने? नो सर। सर ऐसा रहेगा 2A gives 3 moles of B। वाह वाह वाह, रुक जा तू भाई, दो मिनट रुक जा। हम लोग को ये रिएक्शन कभी भी लिखना रहेगा ना, वी विल ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ वन मोल। वी विल ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ वन मोल, मतलब जब इसका वन मोल बन रहा है और अगर मुझे इसका वन मोल कंसिडर करना है तो मुझे टू से डिवाइड करना होगा, बिकॉज इतने रेट में इसका दुगना बन रहा है, इसलिए मैंने इसको हाफ से डिवाइड किया है टू एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ वन मोल। Can I rub this now? Sir, reactant को one mole से represent करना है। मैं तुम लोगों को एक सिंपल चीज बता दूंगा, आप लोगों को ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 2a plus 3c is giving me, sorry, 2a plus 3b is giving me c plus 4d। ये रिएक्शन दिखा तुम लोगों को? ऐसे रिएक्शन अपने को नॉर्मल लाइफ में आते हैं ना, 2, 3, 1, 4 ऐसा, ठीक है? स्क्रीन ब्लर हुआ क्या? यस सर, ऑटो फोकस है वो, ऑटो फोकस तो मौत पड़ी है बेटा उसमें। ये देखो, अभी आई हैव टू राइट द रेट इन टर्म्स ऑफ डी ए बाय डी टी व्हिच विल बी इक्वल टू डी बी by dt minus, दोनों reactants है तो दोनों के ऊपर minus आएगा, जितना ये कम हो रहा है उतना ये कम होगा, ठीक है? is equal to यहाँ पे plus आएगा dc by dt is equal to dd by dt। इतना समझा तुम लोग को? yes sir। minus, हाँ वो minus sign मैंने आगे ले लिया, minus 1/3 यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1/4 पीरियड, सिंपल। जब इसका रेट लिखना रहेगा ना, जो मोल है उसको वहां पे डिवाइड कर दो। क्यों? मुझे वो पूरा रिएक्शन एक मोल के लिए चाहिए, तो इसका एक मोल लिखने के लिए मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसका एक मोल लिखने के लिए डिवाइड बाय 3, इसका एक मोल ये तो कुछ डिवाइड नहीं करने का, इसका 4 है तो डिवाइड बाय 4, खत्म। ऐसा हाँ, सब ए टू जेड मरते दम तक ये याद रखना है आपको, ये इजी पड़ेगा याद रखने के लिए। यस यस सर, ठीक है। 5c इज गिविंग मी 2d, इसके लिए रेट, हर्ष इसके लिए रेट लिख के बताओ मेरे को। हर्ष निपाने हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है, ये चुप क्यों नहीं बैठने देता मुझे। हर्ष आप हो बेटा? सर मैं सांगू। हर्ष है कि नहीं? हर्ष आप हो? एटलीस्ट से यस और नो इफ यू आर देयर, इफ यू डू नॉट नो, इफ यू नो एटलीस्ट स्पीक बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज बेसिक एथिक्स। सर मैं सांगू। हु इज दिस मी? सर मैं बताता हूं, मैं एक प्रचित है। प्रचित बोल बेटा, बहुत देर से बोल रहा है बेचारा, बोल प्रचित। -1/5 dc upon dt equal to -1/2 -1/2 d bracket में d
कैपिटल थी अपॉन डी थी। कल से एक बार फिर से देखो और मुझे बताओ दिस इज करेक्ट। रॉन्ग है भाई, तुम प्रचेत हो, तुम लोग प्रचेत हो, तुमको बहुत पंचायत भाई टीचर बनने की। देख बेटा मेहनत से टीचर बना जाता है, मैं मेहनत करके टीचर बना हूं, तुम पहले मेहनत करो उसके बाद टीचर बनो। यहाँ पे पंचायत करो तुम लोग को। रॉन्ग है, करेक्ट है। प्रचेत, प्रचेत तुम बोल रहे हो? हां सर, माइनस माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। हां प्लस होगा, हां क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। गाइस ऐसे याद रख सकते हो? यस सर, यस सर। ये लिखिए एग्जांपल्स। यस सर, 1 मिनट। को जनरलाइज करके देता हूं आपको अभी। Can I rub this? Yes. A A B B C C D D 1 by A 1 by B 1 by C. A general is. This is the general form. मतलब ऐसे form का कोई भी reaction आएगा तो इस तरीके से लिखना है। जो इसका coefficient है उसको denominator में, जो इसका coefficient है denominator में, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। कितना easy है बेटा, कुछ exchange भी नहीं करना है। इसका इसके नीचे लिखना है, इसका इसके नीचे लिखना है। ऐसे याद रख सकते हो ना तुम लोग ये? डी डी सेम हो जाएगा। क्या डी डी सेम? अरे लड़की, this D is showing the change or decrease. This is the numerical stoichiometric coefficient in the reaction. ऐसा उसको cancel out मत कर देना, और ये DD को cancel मत कर देना। बोलेंगे bracket A upon T आ गया सर, आप कुछ भी सिखाते हो DD cancel नहीं किया। अरे बाप रे, वो differential operator है बाबा, operators cancel नहीं होते। ऐसा करते हो क्या आप? 4 + 5 / 1 + 2 plus plus cancel, it is 45/12। ऐसा हुआ है? नहीं। ऐसा करोगे तो मैं सच में सेकंड फ्लोर से कूद जाऊंगा नीचे। तुम चाहते हो कि मैं सेकंड फ्लोर से नीचे कूद जाऊं? नो सर, नो सर। शायरन ने जोर से मन में यस बोला रहेगा। आई नो दैट, आई नो दिस गर्ल, दिस गर्ल इज इविल। ठीक है, कैन आई रब दिस? यस सर, यस यस यस। बेटा अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है? ऑनेस्टली बताना प्लीज। नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा सर, ओ गेशियस स्टेटमेंट तो एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कर रहा हूं। मैं हर बार इसका स्टेट नहीं लिखूंगा। ये रिएक्शन दिख रहा है सब लोग को? यस ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ लॉ, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे, और मैं जिसको पूछूंगा वो मेरे को बुक दिखाएगा। ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? प्रथमेश केदार, प्रथमेश केदार, लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला बेटा। आप जीवित हो, जग रहे हो, इस संसार में हो? नहीं है, वो सो रहा है। एक बार क्वेश्चन आपको दिखाना, क्वेश्चन दिखाने वाला नहीं हूँ फिर से। सब लोग ने डन 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 बोला था। यस डन सर, डन। तुम मर जाओ बेटा। यस सर, डन।
दिस इज द क्वेश्चन. आशुतोष मिश्रा तुम भी सो रहे हो? यस सर. नो सर नो, जग रहा हूं. बेटा मेरे को बताओगे इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? आर इज सर माइनस माइनस हाफ माइनस हाफ डी डी ब्रैकेट में एनओ टू ब्रैकेट में नहीं बोलेगा बुड्डी का कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू अपॉन डी टी वन बाय फोर वन बाय फोर डी कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू अपॉन डी टी प्लस प्लस नहीं हाँ इक्विवेलेंट टू ये बेटा ये सब प्लस नहीं होगा. हाँ रेट का भी प्लस नहीं होगा. या फिर ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt. एवरीबॉडी यस यस सर दिस इज एब्सोल्युटली सॉरी दिस इज N2 एंड दिस इज NO2 अरे गाइस ये बहुत प्यारे तरीके से बैलेंस है बेटा. नहीं बैलेंस नहीं वो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. बैलेंस है इधर 10 ऑक्सीजन है और उधर 2 है. हाँ बैलेंस नहीं यस तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं आएगा सर वो अलग आएगा थोड़ा. नहीं नहीं ये रिएक्शन के लिए आपने वो करने का है तो बैलेंस बिजनेस बाद में करना. तो बैलेंस करने के बाद कंसंट्रेशन. हाँ बेटा सपोजिंग दिस ये बैलेंस्ड है ये रिएक्शन करेक्ट है राइट ये एक्सप्रेशन करेक्ट है ना? नहीं. अरे सपोजिंग यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोजिंग? यस यस तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट है ना? यस 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 उतना ही जानना था मुझे. Yes, this is not balanced. Good observation. Some people are just not copying. They are actually paying attention, which is good. Sir. On it. Sir, ये plus minus हर बार लिखने का? नहीं, minus लिखने का, plus नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Okay, sir. एक्सप्रेशन लिखा है बैलेंस कर दिया. यस डन सर. ये बैलेंस है डन सर. यस बैलेंस है सर. बैलेंस 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 है सर. अच्छा बैलेंस ठीक है. ओके कोई भी बताओ यार अभी मेरा नाम सर. ओ माइनस 1/2 minus 1/2 d concentration of n2 o5 upon dt equal to 1/4 d by dt of concentration of no2 equal to d by dt of concentration of o2. yes sir. wo d by dt nahi hai pura upon aayega kyun because it is the change in concentration with respect to time. theek hai to jitna जितना ये घट रहा है उतना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है और प्लस यहाँ पे बीच में प्लस नहीं आएगा. ऑल दीज विल बी इक्वल टू ठीक है. यस यस सर. अच्छा ठीक है फाइन सर. बोल बेटा बोल सर. एग्जाम में आया तो ऐसे लिखने का और फिर कुछ स्टेटमेंट लिखने का? बिल्कुल एग्जाम में आया तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. स्टेटमेंट कुछ लिखने का है क्या? स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना बेटा.
this is given. Moles per dm cube per second. This is given. Yeah. You have to find out the rate of formation of NO2 and the rate of formation of O2. ये आपको ढूंढना है, ये दो चीज आपको ढूंढनी है. I give you 53.4 seconds. Think and solve this, and then I will solve it, and you see आपका आंसर सही आया है कि नहीं. बोर्ड क्लियरली दिख रहा है सब लोग को? Yes sir. Yes. सॉल्व करते वक्त माइनस साइन को कंसिडर मत करो. The rate of disappearance of N2O5 is 0.02 moles per dm cube per second. ठीक है, इतना कॉन्सेंट्रेशन एक सेकेंड में कम हो रहा है इसका, तो इसका क्या बोलते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन उतने टाइम में कितना बढ़ रहा है वो अपने को जानना है. सिंपल एज दैट. व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स नेगेटिव साइन इज नॉट टू बी कंसिडर. आई गॉट द आंसर फ्रॉम केदार विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. I guess people will be sending me direct messages, which is acceptable. No problem in that. Dan? Yes, sir. आपको सारे answers यहाँ से मिल रहे हैं? Yes. Yes. पहले अपने को D NO2 ढूंढना है, ठीक है? As per this equation, what is given? Brother, हमने क्या लिखा है? हमने ऐसा लिखा है बेटा? Yes or no? Yes. 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 इसको मैं flip कर सकता हूँ? इसको इस side और इसको इस side लिखूँ चलेगा? Yes. Four upon two, D. N2O5/dt. ए बेटा ये 1/4 था, ये 4 ऊपर जाएगा ना? Yes. तो मैंने इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा, ये 4 मैंने उस साइड ले लिया. प्रॉब्लम है किसी को? नो नो नो. समझने में ये कि भाई ये कैसे आया, तो पूछो अभी. 2 1 2 2 2 it is equal to twice dN2O5/dt. Which is equal to 0.02, which is equal to 0.04 moles per dm cube per second. So what is the rate of appearance of NO2? 0.04. सबको ये आया है? Yes. Very good, Manali. Correct answer. Similarly, you will solve for DO2/dt is equal to half D and O2/dt, because यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Half into 0.02, which is equal to 0.01 mole per dm cube per second. ये इसका यूनिट कैसे आया, ये moles per dm cube per second? ये कहाँ से concentration था? Concentration upon time. Moles per liter या फिर moles per dm cube. When I'm talking about gas, when I'm talking about gases, मैंने आपको कहा था gases से जरा deal करना है, chemistry है, gases के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है भैया? तो concentration is what? Moles per dm cube. And time का कितना होता है? Second. वो denominator में. तो dm cube मतलब liter और seconds denominator में आएगा और moles ऊपर आएगा. इसीलिए moles per dm cube per second. प्रॉब्लम नो सर, ऑक्सीजन वाला नहीं समझा मुझे. ऑक्सीजन वाला नहीं समझा बेटा तुमको? कौन बोल रहे हो तुम? सर मयूरेश. मयूरेश शिवनकर. मयूरेश, ये रिएक्शन देखो बेटा. दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंटायर थिंग इज आल्सो इक्वल टू दिस. सो आई कैन राइट DO2/dt इज इक्वल टू DN2O5/dt का हाफ. दिस इज इक्वल टू दिस. मयूरेश
यस यस तो बस फिर ये दिया हुआ है मुझे, या फिर मैंने अब भी क्या निकाला DNO2/dt, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ DNO2/dt is equal to this, तो 4 यहाँ पे 1/4 of this, 1/4 of 0.04 is 0.01. हाँ सर, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं समझा? समझा सर, कैलकुलेशन मिस्टेक था. अच्छा, others did you get this? Yes sir. Yes sir. Thumbs up. Yes sir. Up. रब कर दूं बोर्ड पे से ये? Yes. 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 डिफिकल्ट है कुछ भी अभी तक? नो नो बीजी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 2 इफ यू कैन नॉट डू दिस मैथमेटिक्स बेटा गो बैक टू नर्सरी नो सर व्हाई नो यस यू वांट टू गो बैक टू नर्सरी वुमन इवन आई वांट टू गो बैक टू नर्सरी दोस वर द ब्यूटीफुल डेज मैन अभी तो सब फालतू के लिए हो गए हैं वो टीचर्स भी कितना अच्छा था अभी तो सब टीचर सब डांटते रहते इक्वेशन दिख रहा है आयन के फॉर्म्स में ए बेटा रिएक्शन आयन्स के फॉर्म में हो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो एटम्स के फॉर्म में हो रेट सेम रहेगा फॉर्मूला सेम रहेगा कुछ भी कहां ब्लर है स्क्रीन बेटा दिख नहीं रहा तुमको अभी दिख रहा है पहले भी दिख रहा था झूठ नहीं बोलने का सर क्या लिखा 0.0 0.022 सर क्या ढूंढना क्या है इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस एंड ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन मैं किसी को भी बोलूंगा बोर्ड पे आके सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा नहीं सर क्या नहीं हो गया सर कंजम्पशन किस रेट ऑफ कंजम्पशन मींस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ना बेटा ये कंज्यूम हो रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है ये डिसअपीयर हो रहा है और ये अपीयर हो रहा है वन एंड द सेम थिंग राइट शैरन यस डन सर डन हो गया सर बोल शुभम बोल इसका इसका आई माइनस का Give me the equation, Reba. Equation, na? D, haan, so yeh hi aayega. Is equals to di3 minus dt is equals to half dSO42 minus dt. Sabko equation correct mila hai? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Kya de rakha? Yeh de rakha, beta. ठीक है? ये ये रखा अपने को अपने को क्या ढूंढना है पहले वाला ढूंढ से ठीक है 1/3 सर 0.3 0.033 आएगा यस यस
उसके बाद 0.011 है 0.11 यस सर 0.011 उसके बाद वापस 0.011 कौन बोल रहा है यस सर करेक्ट है यस ये आंसर करेक्ट है सबको यस सर 0.022 ये आंसर करेक्ट आया सब लोग को नो 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 अभी करेक्ट है अभी करेक्ट है सब लोग को मिल रहा है ना बेटा ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स आर द इजिएस्ट न्यूमेरिकल्स इन दिस एंटायर चैप्टर अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो अभी बताओ मैं बाद में आपका सेशन लेगा और आपने कोई भी मुझे इसका इक्वेशन नहीं बना के बताया ना आई एम गोइंग टू लीव द सेशन विदाउट टेलिंग एनीथिंग एंड आई एम नेवर गोइंग टू टेक बैक द सेशन देन बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये समझ में एक बार में आ जाना चाहिए व्हाट आई एम सेइंग इज अगर नहीं आया तो मुझे बोलो आई विल एक्सप्लेन अगेन अभी आप बोलोगे नहीं फिर बाद में आप बोलोगे मुझे समझा नहीं था तो दिस इज तो वेरी बैड ना बेटा आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस फ्रैक्शन होने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड सेट करना होता है 0.011 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड आपको समझ में आए इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मी द आंसर ऑलरेडी कंप्लीट आंसर और क्या बचा है ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन प्लस करके एवरेज निकाल एवरेज नहीं नहीं R, so product of molar concentration R, R is equal to this 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 Yes, yes. सबको प्लस करने का सबको प्लस करना है डिवाइड बाय 4 करना है एवरेज नहीं व्हाई विल यू प्लस एवरीवन मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्लस नहीं करना है भाई आंसर आपके सामने और आप मुझे बता नहीं पा रहे हो मैंने आपको आंसर भी बता दिया R is either equal to this or equal to this or equal to this or equal to this yes sir अपने को R this is R this is R simple सर वो अलग अलग आएगा सबके अलग 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 कैसे आएगा बेटा सर नहीं सेम आएगा समझा सेम आएगा ना यस यस 0.022 0.022 कितना आता है 0.011 ठीक है यहां से मेरे को r मिला दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ये मैंने अभी ढूंढा इट इज इक्वल टू 0.011 इसको अगर मैं सॉल्व करूं 0.033/3 0.011 Yes. So the rate of the reaction is 0.011. ठीक है? इसका disappearance, इसका rate of consumption, इसका rate of appearance और इसका rate of production वो अलग अलग रहेगा. But rate of reaction is going to remain the same if you can. Yes. Yes. Because अलग अलग क्यों आएगा? Because सबका number of moles अलग है. अगर सबका number of moles one होता तो same होता बेटा. सर एवरेज रेट सर एवरेज स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन का प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ना इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं अपन लोग एवरेज रेट से डील नहीं करेंगे यस इंस्टेंटेनियस स्पीड बिकॉज एवरेज रेट के लिए मुझे हर एक टाइम का रेट चाहिए इतना पॉसिबल है कि एक सेकंड का रेट निकालना प्रैक्टिकली नो वो कांस्टेंटली रहेगा ना सर वो कांस्टेंट क्या बोल रहा बेटा एवरेज रेट कांस्टेंट भी तो Average rate constant मतलब हाँ yes average rate को तो always going to be constant for a given reaction ना because it is the average you are not it is not changing you have considered all the changes and then find out average very important topic very important
वी विल बी यूजिंग दिस ब्लर हो गया स्क्रीन क्या बोल रहे बेटा रेट लॉ व्हाट इज दिस रेट लॉ सेइंग रेट लॉ ये बोलता है रेट लॉ सिर्फ इतना बोल रहा है प्यारा सा लॉ वो बोल रहा है कि भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब मेरा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा या फिर डिसअपियर होगा तो वो जितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है उतनी जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा वो जितना स्लोली कंज्यूम हो रहा है उतनी स्लोली प्रोडक्ट मिलेगा तो द रेट इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यस whatever, ठीक है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है पांच हो सकता है doesn't matter, but reactant दो है ना यहाँ पे, so the rate of the reaction is going to be directly proportional to the concentration of the reactant, इसका ये हो सकता है balance करने की stoichiometry, ठीक है so to the क्या बोलते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई सर उधर ए आएगा ना एक्स वाई के ए वाई आएगा ना एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट एज एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्स और वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज ये नॉट नेसेसरली दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए एंड बी बहुत से केसेस में दे आर इक्वल टू ए एंड बी बट नॉट ऑलवेज ठीक है यस सो रेट इज गोइंग टू बी दिस इज योर रेट लॉ दिस इज योर एक्स वाई का वैल्यूज क्या है एक्स वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है ये ए और बी के इक्वल नहीं है दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस सर रिएक्शन ये या तो दिया रहेगा या फिर ढूंढना अरे तुम लोग आगे का क्यों ट्रेंड उड़ाते हो पहले इत को रेट लो तो समझो उसके बाद उसके बेस पे जब न्यूमेरिकल आएंगे तब बताऊंगा ना बेटा मतलब तुम लोग को या तो मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है या फिर तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ के बैठो दोनों में से कोई एक बात है बताओ कौन सी बात है बेटा दोनों भी नहीं तो कौन सी बात है बताओ फिर तीसरी कौन सी ऑप्शन है इसमें कुछ भी नहीं है ना लिख लो ठीक है ये समझा रेट लॉ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स दे आर दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स ये बेटा दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट दिस इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन व्हेन आई एम राइटिंग इट दिस केमिकल रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं स्टोइकोमेट्री बोलूंगा ये जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स या फिर कोएफिशिएंट्स होंगे these yes. x and y not necessarily are a and b they can be different also yes what is yes k? yes and yes sir k kya hai aapka rate constant k is your rate constant Yes or no? Yes, sir. So this is called as the rate law. Or you can also call agar teen char reactant aaya to you can also call this as the differential rate law. Theek hai beta? But hum log generally isko rate law hi bolte hain. Sir. Haan beta bolo. Sir. अगर ए बी सी ऐसे रिएक्टेंट आया तो ए रेस टू एक्स बी रेस टू और सी रेस टू जेड लिखने का ऐसे लिखने का सीरीज टू जेड आएगा हाँ यस सर हेलो सर कौन बोला
सर अक्षय हाँ बेटा अक्षय बोलो सर एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी रह सकता है फ्रैक्शन होल नंबर जीरो यस आई एम कमिंग टू दैट ये लिख लिया बेटा सब लोग ने यस अच्छा अच्छा समझा ना सब लोग को भाई yes, ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं समझा सर समझा सर ठीक है एक्स एंड वाई इट कैन बी अ होल नंबर और फ्रैक्शन सो होल नंबर एंड फ्रैक्शंस कौन से नंबर सेट में इंक्लूडेड है इंटीजर राइट रियल नंबर रियल नंबर या अग्रीड रियल नंबर बट ऑन अ ब्रॉडर स्केल कैन आई राइट इट एज इंटीजर इंटीजर यस सर रियल नंबर तो उससे भी ज्यादा बड़ा हाँ उतना बड़ा नहीं है ना थोड़ा ही है इंटीजर x is an integer value x y are integer value fraction mein rahega na if fraction mein rahega x is 1 and y is also 1 rate kya ho jayega yes yes sir rate ho jayega acha yes if x is 1 and y is 2 rate kya ho jayega A raise to 1, B raise to 2, 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 अगर दोनों 0 हो जाएगा तो K हो जाएगा सर 0 तो नहीं रहेगा ना सर रहेगा बिल्कुल रहेगा क्यों नहीं रहेगा तो वो सर 0 होगा तो K हो जाएगा 0 का मतलब होता है इसका रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है मतलब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैंने ए और बी के बीच में रिएक्शन कराया ए को मैंने लिया है 1000 ग्राम्स और बी को मैंने लिया है 5 ग्राम्स तो इसका जो रेट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना बी के ऊपर जब तक बी है तब तक रिएक्शन होगा बी खत्म मतलब रिएक्शन खत्म yes. ए को इतना ज्यादा लिया है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है छोटे वाले के कॉन्सेंट्रेशन से उसको फर्क पड़ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट ठीक है दैट वे सो आर इज इक्वल टू के बी अच्छा सिंपल जब दोनों रिएक्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा तो आर इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू के कांस्टेंट सर ऐसा नहीं रहेगा ना बट किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना हाय ऐसा नहीं होएगा ना और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना कौन से देयर आर गोइंग टू बी रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जहां पे मैं रिएक्टेंट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लूंगा वहां पे माय रेट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट हम लोग आगे देखेंगे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस में तब अपन को अपने डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा यस सर यस यस सर अब एक ये निकला सब लोग में द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जनरली हां ठीक है चलो बाद में देखेंगे ओके क्लियर अच्छा अच्छा अब यहां पे देखो बेटा इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और रादर इफ आई डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने 2 टाइम्स किया तो रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा यस कैसे होगा आर इज इक्वल टू के इनटू 2 ए इनटू बी स्क्वायर ठीक है तो ये 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2 के इनटू ए इनटू बी स्क्वायर के इनटू ए इनटू बी स्क्वायर इज द रेट उसके आगे 2 लगाया मतलब ये 2 टाइम्स हो गया सर वो 2 आएगा तो 1/2 हो जाएगा ये देखो ऑलवेज जंपिंग टू कंक्लूजंस आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू 2 आर ट्वाइस रेट हो गया ना बेटा अरे बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी लिखूंगा मैं डी ए बाई डी टी लिखा है क्या मैंने यहाँ पे श्वेरन
शैरन वो हाफ पता है कब करना है, जब हम लोग डीए बाय डीटी लिखेंगे बेटा। ओ वन यस ठीक है यस अच्छा अच्छा बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो जाएगा। व्हाट इज अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल नहीं करता हूँ ठीक है, आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट फिर से डबल हो जाएगा, यस और नो? यस सेम आएगा सर, सेम रेट है, सेम आएगा। अच्छा टू बी अलग अगर मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस किया तो रेट मेरा फोर टाइम्स बढ़ गया, मैंने अभी मैथमेटिकली आपको बताया। अगर मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस किया तो ये रेट फोर टाइम्स हो जाएगा। ये समझा सब लोग को? यस सब लिख लो सब सर। अगर अगर एक्स और वाई दोनों सेम है तो किसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ सेम ही आएगा। नहीं अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो कितना कितना 16 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 इंटू 4 सर। एक्स और वाई सेम है तो एक्स और वाई सेम है तो रेट चेंज ही नहीं होएगा ना बेटा, सेम हो जाएगा। Yes, same ये लिख लिया? No, one minute. मेरा गला 100 seconds के बाद होगा। क्या बोल रहा है बेटा? नहीं हुआ था, six. नहीं हुआ कर लो। हर्ष आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य हाँ सर। गिरीश राहुल यस सर। अश्विन कार्तिक प्रथमेश रिद्धि अदिति अमन अमित अनुषा अवंतिका आर्यन क्रिस्टिन दिशा दीपेश जेनिफर जॉसलिन कनद किंजल मनाली निकिता अदीना अजिंक्य पीयूष पीयूष बहिराम रचित प्रणय प्रतीक अवध साहिल जे अवध साहिल वलांजू समृद्धि पाटिल सारंग सार्थक श्रवणी श्रेया तानिया तने वेदांत विराज विशाल सर दूसरे हाथ से यस सर यस सर वही बोल रहा मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि क्या तुमको समझ में आया कि नहीं? यस सर यस एंड नो। ठीक है अगर आपको रेट लॉ तक समझ में आया है हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर देन। यस यस होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड।